ऐसा लग रहा है जैसे किसी एरोप्लेन के अंदर हैं हम लोग लेकिन ये एक क्लासेस है ट्रेनिंग सेंटर बनाया गया है इस ये मीरा भाईंदर में अगर कहा जाए तो इस तरह के क्लासेस बिल्कुल भी नहीं थे और ये कहीं ना कहीं एक नई और अच्छी शुरुआत है यहाँ के उन ब्राइट स्टूडेंट के लिए जो इस सेक्टर में जाना चाहते हैं काम करना चाहते हैं क्या कहेंगे देखिए एक विस्टा एकेडमी आज शुरू हुई है बहुत सुंदर पहल है और ये अपने आप में ये पहली यहाँ ऐसी कोई एकेडमी है जो एविएशन रिलेटेड कोर्सेज सिखाती है और एज यू नो एविएशन रिलेटेड कोर्सेज अदरवाइज़ आर वेरी ग्लैमरस ये जॉब्स ये बहुत ग्लैमरस होते हैं फॉर सम रीज़न के हमें ये पूरा देश देखने मिलता है हमें फ़्लाइट में उड़ने मिलता है ये एक जो सोच है उसकी वजह से भी ये एक ग्लैमरस ये बन गया है और बहुत सारे यंगस्टर्स चाहते हैं कि ऐसे फील्ड में हम जाएं और हमारा करियर बनाए तो उनके लिए ये एकेडमी इज़ द राइट प्लेस टू कम ताकि आए अपना करियर बनाएं और अभी मैंने जो पूछा कि यहाँ से आपके जॉबमेंट प्लेसमेंट का क्या है तो उन्होंने कहा ऑलमोस्ट हंड्रेड परसेंट प्लेसमेंट भी है सो वॉट एल्स डू यू वॉन्ट राइट तो सबसे बड़ा जो इशू होता है वो प्लेसमेंट का होता है और अगर यहाँ पर आपको ट्रेनिंग के बाद प्लेसमेंट मिलता है तो इससे बेटर और कुछ और हमेशा अभी यंग जनरेशन को देखिए हम बार बार चिल्लाते हैं कि हमारे यहाँ जॉब्स नहीं मिल रहे हैं ये नहीं हो रहा है बट ऐसा नहीं है ज़रूरत है राइट फील्ड चूज़ करने की अब हमारे क्या होता है कि हम डॉक्टर बनने के पीछे तो सभी वो ही लेना चाहते हैं और ओवर हमारे जो यंग जनरेशन है उनका प्रॉब्लम सबसे बड़ा मैंने अभी आजकल जो देख रही हूँ क्योंकि मेरा फ्रेंड ये कर रहा है मुझे भी वो करना है अपने आप बैठिए अपने आप सोचिए कि मुझे क्या करना है और वही चूज़ करे आपका जो इंटरेस्ट है अगर आपको प्रोफेशन भी वैसा मिलता है तो उसमें आपको भी फ़ायदा आपको मानसिक एक जो सेटिस्फेक्शन मिलता है आप काम डबल अच्छे से कर सकते हैं ये इन्होंने बहुत बड़ी बात कही कि आपको क्या पसंद है आपको उस हिसाब से काम करना चाहिए ये नहीं कि हमारे दोस्त अगर इस फील्ड में है तो हम उसमें जाएं तो इन्होंने बहुत अच्छा कहा कि अपॉर्चुनिटीज है जॉब्स है सब है राइट right फील्ड जो है तलाशने की ज़रूरत है सर मैं आपसे बात करना चाहूँगा ये कोर्सेज़ मीरा भाइंदर में शुरू हुआ है रसाज मॉल में शुरू हुआ है और ये फील आपने बहुत अच्छा दिया है ये पॉकेट फ्रेंडली कितना है देखिए हमारा पहला इंटेंशन वही था बिकॉज मार्केट में जितने भी आप इंस्टीट्यूट देखेंगे काफ़ी ओवर प्राइस आ, ये कोर्सेज चलते हैं हमारा पहला इंटेंशन वही था कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसको अफोर्ड कर सके क्योंकि जैसे आपने बोला हर काफ़ी बच्चों लोग का ड्रीम होता है कि मैं एक बड़े होकर कैबिन स्पेशली फीमेल्स आप देखेंगे दस में से आठ बच्चे अगर वो आप पूछोगे किसी लड़की को तो वो चाहेंगे कि वो बोलेंगे कि मैं एक कभी ना, कभी ना मैं कभी ना, मैंने एक बार सपना देखा था कि मुझे कैबिन क्रू बनना है एयर हॉस्स बनना है ठीक है बट होता क्या है कुछ वजह से फाइनेंशियल इशूज़ की वजह से बच्चे लोग ये कोर्स कर नहीं पाते तो हमारा पहला इंटेंशन वही था काफ़ी पॉकेट फ्रेंडली है मार्केट से सिक्सटी प्राइस हम लोगों ने इसका ऑलरेडी कम रखा है तो ताकि मैक्सिमम बच्चे इसको आ, कर सके कोर्स को और अपने ड्रीम्स को पूरा कर सके ये कोर्स कितने टाइम का होता है और कोर्स के बाद प्लेसमेंट कितना आसान होगा बहुत आसान होता है बिकॉज कैसा होता है काफ़ी बच्चे लोग जो बहुत ब्राइट स्टूडेंट जैसे आपने बोला काफ़ी ब्राइट स्टूडेंट होते हैं बट उनके कुछ जो कम्युनिकेशन स्किल की वजह से जैसे किसी लोगों को इंग्लिश कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम रहता है कोई कोई बच्चा बहुत इंट्रोवर्ट होता है उनके लिए स्पेशली ये कोर्सेस डिज़ाइन किया गया है ताकि उनका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो और उनका ग्रूमिंग सेशन करते हैं हम लोग उनका मॉकअप इंटरव्यूज कराते हैं और उनका इंग्लिश कम्युनिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो हम लोग उससे पॉलिश करते हैं सो so, ये कोर्स को एक हम कॉम्पैक्ट कोर्स बनाया है जो विदिन ए ईयर खत्म हो जाता है मैक्सिमम इंस्टीट्यूट में ये कोर्स वन ईयर प्लस चलता है उसमें होता है कि बच्चा एक तो अपना इंटरेस्ट खो देता है टुवर्ड्स दी एंड इतना लंबा ड्रैग कर करके कर करके बच्चे को हम लोग परेशान नहीं करना चाहते हैं और कॉम्पैक्ट कोर्स डिज़ाइन किया अगर सही तरीके से ट्रेनिंग किया जाए तो बच्चा आठ महीने में कंप्लीटली इंस्टीट्यूट uh, से एक आ, इस एल इंडस्ट्री के लिए तैयार हो जाता है सो एट मंथ्स में हम लोग का पूरा कोर्स कम्प्लीट होता है उसके बाद हम लोग जैसे मैंने बताया कि हंड्रेड परसेंट प्लेसमेंट हम लोग असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं क्या होता है कि गारंटी बोलना बहुत गलत चीज़ होती है इसमें क्या होता है बच्चा के दिमाग में आता है कि गारंटी तो मिल रही है मुझे पढ़ने की जरूरत क्या है hmm. तो वो गलत इंप्रेशन पड़ता है इसलिए हम लोग हंड्रेड असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं जिसमें हम लोग बच्चों को हर इंटरव्यू के पहले प्रिपेयर करते हैं और फिर उनको इंटरव्यू के लिए भेजते हैं हम लोग मौका पर इंटरव्यू करने के बाद उसमें होता है कि नाइनटी नाइन्टी बच्चा खुद अपने आप सिलेक्ट हो जाता है जो बच्चे सिलेक्ट नहीं होते हैं हम उनको वापस बुलाते हैं उनका इंटरव्यू एनालिसिस होता है कि वॉट वेंट रॉन्ग इन द इंटरव्यू कि आप कहाँ गलती की फिर उनके एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट पर काम करते हैं हम लोग और बच्चों को वापस इंटरव्यू भेजते हैं ये अच्छी बात है इन्होंने कहा कि 100% प्लेसमेंट की गारंटी नहीं दे सकते क्योंकि वो तो आपके स्किल पे डिपेंड करता है कि आपने जो सीखा है लर्न किया है वो सही किया है कि नहीं अगर आप परफेक्ट हैं तो आपको जॉब मिलेगा ही लेकिन प्लेसमेंट में असिस्ट जरूर करते हैं ये दूसरी बात एक आ, लो कॉस्ट में हम ये कह सकते हैं कि लो कॉस्ट में एविएशन की ट्रेनिंग आ, खास करके जो आ, यंगस्टर गर्ल्स हैं उनका ये सपना होता है उनका ये उनकी ये सोच होती है कि वो कहीं ना कहीं एयर होस्टेस बने ताकि दो दो इंटेंशन होता है एक तो वो एक अच्छा काम कर पाएंगी और एक दूसरे देश में सफर कर पाएंगी ये ज्यादा पॉइंटेड है क्या मैम नहीं उसका ग्लैमर होता है लोगों को ये आकर्षित करता है कि ये तो जॉब भी करना है मज़ा भी करना है और बहुत सारा दूसरी जगह देखने को भी मिल गया है देखिए उसके बाद उसमें कितनी मेहनत है नो पेन नो गेन मेहनत आपको हर एक में करनी है right. पर एक बार का जो अट्रैक्शन होता है ना लोगों को वो ये है तो ये है आ, इसके डिटेल्स हम स्क्रीन पे चला देंगे अगर आप में से कोई भी मीरा भाइंदर में इस तरह के जो है ट्रेनिंग को लेना चाहते हैं एविएशन से संबंधित तो आप इस जगह पे जरूर आए ये बहुत ही अच्छा बनाया गया है और इसको आप यहाँ पे आएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी एरोप्लेन में आप अपनी टीचिंग ले रहे हैं वहाँ पे आप सीख रहे हैं तो उसको उसी हिसाब से डिज़ाइन किया गया है और मुझे ये बहुत अच्छा लगा ये कॉन्सेप्ट आप एक बार यहाँ पे अगर अगर आपको एविएशन में अपना आ, लाइफ करियर बनाना है तो यहाँ पे एक बार विजिट ज़रूर करें मीरा भाईंदर के लिए ये एक बड़ा अचीवमेंट है अंत में इतना ही कहूँगा आप सब अपना ख्याल रखें एक दूसरे को दुआओं में याद रखें थैंक यू सो मच